तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तक आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद का फैसला अब अदालत में नहीं बल्कि अदालत के बाहर होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज यह तय कर दिया कि राम मंदिर मामले पर अब मध्यस्थता होगी। 3 मध्यस्थों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं, जिनमें जस्टिस खलीफुल्ला है, श्री श्री रविशंकर है और वकील श्री राम पंचू है। इन तीनों को अयोध्या मामले का मध्यस्थ बनाया गया है। 1 हफ्ते में मध्यस्थता के जरिए बातचीत की कार्रवाई शुरू होगी। 4 हफ्ते के अंदर इनको स्टेटस रिपोर्ट अदालत के पास सौंपनी होगी और 8 हफ्ते के अंदर इस मामले में मध्यस्थ अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देंगे। यानी कुल मिलाकर एक तस्वीर साफ है कि अगले 2 महीने के अंदर राम मंदिर का फैसला सील बंद अदालत को सौंप दिया जाएगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, उस पर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग को मना किया गया है, बैन लगाया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अयोध्या में बंद कमरे में यह मध्यस्थता होगी और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला अब लोकसभा चुनाव के फैसले के बाद तक के लिए टल गया है। यानी कि 2 महीने के बाद अब इस मामले को लेकर फाइनल फैसला अदालत को सौंपेंगे मध्यस्थ। तब तक देश में लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे, बहुत मुमकिन है तब तक अगली सरकार भी शपथ ले चुकी होगी, जब इस मामले का निपटारा करने के लिए आखिरी दौर में ये मध्यस्थ अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले करेंगे। आपको परिचय दे दें उन तीनों मध्यस्थों का। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, जाने माने धर्मगुरु हैं। निजी तौर पर वो पहले भी इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं। महर्षि महेश योगी के शिष्य श्री श्री रविशंकर हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं श्री श्री रविशंकर। इनके अलावा जो दूसरे मध्यस्थ बनाए गए हैं वो है जस्टिस रिटायर्ड FM खलीफुल्ला। साल 2012 में जस्टिस खलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। जुलाई 2016 में, यानी कि अब से लगभग 2.5 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं। मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस फकीर मोहम्मद के बेटे हैं जस्टिस खलीफुल्ला। इस मामले में तीसरे मध्यस्थ बनाए गए श्रीराम पंचू, वरिष्ठ वकील हैं, मेडिएशन चैंबर्स के वो फाउंडर हैं। दुनिया भर के कई बड़े मामलों में और देश के भी कई बड़े मामलों में वो मध्यस्थता कर चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ मीडिएटर्स के वो अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉरपोरेट खासतौर पर ऐसे मामलों में मध्यस्थता का अनुभव उनका काफी ज्यादा है। यह अलग बात है कि इस तरीके का शायद ये अपने आप में पहला मामला वो मध्यस्थ के तौर पर हैंडल करेंगे। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर यह है कि 8 हफ्ते के भीतर मध्यस्थ इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। श्री श्री रविशंकर ने ट्वीट किया है, पहली प्रतिक्रिया दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबका सम्मान करें, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना, समाज में समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की तरफ सबको चलना है, ये श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं। और इसके अलावा सब पक्षों की प्रतिक्रियाएं इस मामले में अब आने लगी हैं। दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी, इस मामले में क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। हम लोग इस पर खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो, तो हम इसके लिए कोई हमारा आपत्ति नहीं। तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थता में रखे हैं, चाहे किसी को रखे हैं, तो उनका विवेक है, जो जज के विवेक है, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा उससे बात होगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत जो है बहुत लंबा खिंचा हुआ है। क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, ऐसा भी सामने बात आती है। समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि श्री श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत कर रहे हैं। 4 हफ्ते का टाइम दिया स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए। आफ्टर दिस स्टार्ट
आफ्टर द स्टार्ट मीटिंग तो बिल्कुल बहुत ही वो है और हम इसका स्वागत करते हैं। हम ये चाह रहे थे कोई संवैधानिक व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति ना हो, ये बात पहले भी हमने कही थी, लेकिन रविशंकर जी को किया है तो रविशंकर जी यदि संवैधानिक तौर पर मीडिएशन करेंगे तो चलेगा जी। आप सर आपका नाम? मेरा महंत सीताराम दास निर्मोही अखाड़ा। आप सीताराम दास जी हैं निर्मोही अखाड़े के, तो निर्मोही अखाड़े को श्री श्री रविशंकर जी से के होने से क्या आपत्ति? देखिए हम चूंकि संवैधानिक लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं शुरू से, तो हम चाहते हैं कोई संवैधानिक व्यक्ति ही हो, ऐसा ना हो कि बाद में ये लोग कहें कि राजनीति हो रही है। हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और इस मामले में राजनीति को सक्रिय नहीं करना चाहते, इसीलिए श्री श्री रविशंकर से थोड़ी सी आपत्ति है। यहाँ बैठक होगी सभी पक्षकारों के बीच में और पक्षकारों की बात सुनी जाएगी, फिर उसके बाद में जो निर्णय हो जाएगा वही कोर्ट उसको डिसाइड करेगा और यह बहुत अच्छी बात है और यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यह नहीं इसको विलम्ब नहीं करना चाहिए। और जी इंतजार नहीं हो सकता? नहीं बिल्कुल, इंतजार करने का समय बीत चुका है, अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको हो जाने कर लेना चाहिए। स्वागत करते हैं इसका? बिल्कुल हम पूर्णतः स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग का बहुत दिनों से प्रयास था लेकिन वह बन नहीं पाई बात, अब संभव है कि वह जो प्रयास हम लोग का था वह हो गया, अब निश्चित है कि इसका समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को उसको मीडिएशन के लिए रेफर किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उस पर हम कोऑपरेट करेंगे, लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। तो सुन लिया आपने सारे पक्षों को। आपको बता दें हमारे साथ विजय शंकर तिवारी आ गए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त हैं, धर्म गुरु हैं। अयोध्या में आज तक पर तीनों पक्ष एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या से लाइव और आपको बता दें कि मध्यस्थता के दौरान जो बातचीत होगी उसकी मीडिया रिपोर्टिंग करने से अदालत ने इनकार किया है, लेकिन उसके ठीक पहले मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू हो उसके ठीक पहले आज तक पर तीनों पक्ष एक साथ आपको आज दिखाई दे रहे, तीनों की बात कुमार अभिषेक आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक बिल्कुल रोहित, फिर हमारे साथ तीनों पक्ष इस वक्त मौजूद हैं, हम फिर इन तीनों से कहेंगे। देखिए एक हफ्ते में आप अपनी बात रखना शुरू कर देंगे, जो 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 कमिटी आ रही है श्री राम पांचू हैं और खलीफुल्ला हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि जो क्योंकि आपका रविशंकर के साथ लंबा एसोसिएशन रहा है पिछले मामले में, क्या कहेंगे आप? देखिए आने तो दीजिए, पहले हमारे मेडिटेटर को आने तो दीजिए यहाँ फैजाबाद, उसके बाद वो अपने क्या प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं तो उस पर मैं बात करूँगा। मैं अभी कैसे बता दूँ कि मैं क्या हमारे उनमें क्या बातें हुई या नहीं हुई। ये ठीक है रविशंकर जी से हमारे ताल्लुकात हैं और सबसे हैं, वो भी नहीं तीनों, वो भी सब एक ऐसे जस्टिस लोग आ रहे हैं, रिटायर्ड जज हैं वो हैं, एक बाहर के वकला हैं, तो ये सब लोग गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के इनको अपना बनाया है कि इन तीनों में कौन बेटर क्या नहीं, वो तो वो लोग खुद अपनी बात करेंगे ना, और जब वो बात मुझसे करेंगे उस वक्त की क्या नवयत होती है ये उस वक्त हम बता सकते हैं, इस वक्त मैं कुछ आपसे नहीं कह सकता। लेकिन एक सवाल आप लोग दोनों से होगा कि हर कोई ये कहता है एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मसला बिल्कुल गर्भगृह का है, उससे सटे जमीनों का है, आपको लगता है कि कुछ लेन देन छोड़ना पड़ेगा? देखिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अब जो बातें पुरानी थी वो ख़त्म हो गई, नए शुरू हो रही हैं। अब गिरे गिरे की बात आती है कि ज़मीन की बात आती है कि मस्जिद की मंदिर की बात, ये उसी वक्त बात होगी, अभी मैं कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। बहुत लिबरल रहे हैं आप तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, जब तक हमारी बात नहीं हो जाएगी इस बारे में मैं कोई आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप बताइए धर्मदास जी, वो जमीन की लड़ाई है, उसी गर्भगृह की लड़ाई है, उसी जमीन पर कुछ जमीन की लड़ाई, लगता है कि आपस में बातचीत करके लेन देन हो सकेगा, जमीन का आदान प्रदान? जमीन के आदान प्रदान के कोनो जरूरत नहीं है, आपके बताइए दवा छोड़ने की दवे छोड़ने की बात नहीं है, समय आ जाएगा अपने आप दवा छोड़ा जाएगा, चाहे कैसे राम जी के पक्ष में हम लोगों के काम होगा, चाहे किस कैसे व्यवस्था होगा, वो तो समय आएगा, क्या रणनीति बनती है उसे होगा। लेकिन ये है कि जहाँ पर भगवान है वह जो व्यवस्था जो चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है।
लेकिन जो 67 एकड़ की बात की जा रही थी उसमें कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उसमें कहा हम एक इंच जमीन नहीं देंगे किसी को। विश्व हिंदू परिषद का रहा 67 एकड़ ये नहीं सकता है, उनके बाप के नहीं है, ये पब्लिक के जमीन है। एक बात और बता दें, किसी स्थान में भारतवर्ष के किसी स्थान में चाहे किसी वक्त में वक्त के चीज को कोई भी व्यक्ति किसी ट्रस्ट को भा किसी को दूसरे के देने के अधिकार नहीं रखता है। आइए हनुमान ऐसे निकले तो समाधान निकला है कि हम लोग सभी मिलकर के काम एक एक कर काम करेंगे, मंदिर बनाएंगे, चाहे जो हम लोग जैसा करना होगा सब एक मिलकर करेंगे। कुछ तो मतलब आप जो बातें कहेंगे जो भी है देखिए हमें कहना नहीं है, हम लोग सब मिल करके करेंगे। आप हमारे बात समझिएगा, जो भी मंदिर बनेगा जो भी व्यवस्था बनेगा, मंदिर तो अभी चल ही रहा, थोड़ा आप भी छोड़ेंगे थोड़ा वो भी छोड़ेंगे, ये छोड़ना छोड़ाना ये कोई अच्छा चीज नहीं है। हम लोग सबको भव्यता देना है कि छोड़ना छोड़ाना है, भव्यता किसी चीज के देने के लिए। और हम पांच भाई इस घर में है तो पांच भाई के पांच हिस्सा बांट देंगे तो भव्यता कैसे रहेगा? तो भव्यता लाने के लिए राम को भव्यता लाने के लिए राम राजा है तो उनको भव्यता लाने के हम सब भाई एक प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से भव्यता आवे, किस तरह अयोध्या के शान मान बढ़े, किस तरह से ये भारतवर्ष में शांति व्यवस्था कायम हो, कैसे हम लोग समाज में किस तरह से सिखावे कि उठना बैठना चलना। ये तो धमदास जी बात हुई जो आप कहेंगे, हमको बताइए आप निर्मोही अखाड़े से हैं, ये जो पूरी जमीन का मामला है कि वो जमीन का दावा हिंदू पक्ष करता है कि वो पूरी जमीन दीजिए हम उस पर पूरा राम मंदिर बनाएंगे, आप लोगों को भी लगता है कि वो पूरी जमीन मिल जाएगी या फिर बातचीत पर जब बैठेंगे तो कोई दावा छोड़ेगा कोई दावा लेगा? देखिए समझौता जब होता है तो दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, दोनों पक्षों को झुकने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो आप 67 एकड़ की बात कर रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने एक बार पहले ही निर्णय दिया है कि मुख्य विवाद 2.77 एकड़ का है। 2.77 एकड़ का विवाद जब हम लोगों का निपट जाएगा तो शेष जमीन जो है उसी के उपभोग के लिए दी जाएगी जो 3 एकड़ 2.77 एकड़ जमीन पाएगा। तो मेन विवाद हम लोग ये 3 एकड़ 2.77 एकड़ वाला ये निपटा लें और उसमें हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये बैठ के हम लोग तय कर लें। तो पहले आपको लगता है कि जो 2.77 एकड़ जमीन है उस पर पहले सहमति बनेगी और उसके बाद फिर बड़े लेवल पर सहमति? उस पर सहमति बनेगी, 2.77 एकड़ पर उसी पर सहमति बन जाएगी तो शेष जमीन जो है वो हिंदू पक्ष को अपने आप मिल जाएगी। चलिए वापस आते हैं, वही करेगा जो अभिषेक आपके पास। तीनों पक्षों को आपने सुन लिया, तीनों पक्ष क्या बात करें उनसे और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक एक कमेंट। विश्व हिंदू परिषद के नेता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी, तीनों पक्षकारों को आपने सुन लिया, मान जी कह रहे हैं आप लोग तो ना 3 में ना 13 में विश्व हिंदू परिषद। रोहित जी, 67 एकड़ में 42 एकड़ जमीन हमारी है। और दूसरी बात, महन जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद का कितना बड़ा रोल है ये सारा देश जानता है। आज ये आंदोलन जहां खड़ा है उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। किसी के कुछ भी कहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का एक मार्ग निकाला है, उसके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर मुझे यह कहना है कि 1950 का न्यायालय का निर्णय हो, 1955 का निर्णय हो, 2010 का निर्णय हो, आज तक न्यायालय के माध्यम से जो भी बात कही गई है वो ये बात हुई है श्री राम जन्मभूमि पर हिंदू पूजा करते हैं और श्री राम जन्मभूमि है, इस विषय पर कोई भी मतभेद नहीं है। अब वार्ता अभी तक एक नहीं हुई है, 5 वार्ताएं रोहित जी पहले हो चुकी हैं और 3-3 प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित रहे हैं। चंद्रशेखर जी सम्मिलित रहे हैं, विश्वनाथ जी सम्मिलित रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी सम्मिलित रहे हैं और इनके बीच में 5 वार्ताएं हुई हैं। 5 वार्ताओं का जो बाद में परिणाम हुआ है वो आपको ध्यान में है, परिणाम 0 रहा है। इसलिए हमें ये शक है कि इस बार ये वार्ता कहां जाएगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो भी तय करता है उसका हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहे हैं। शक क्यों है आपको? नहीं नहीं, मैंने कहा कि अब तक 5 बार वार्ता में बैठे हैं, हर बार देखो 2 बार तो बाद में, बाद के 2 बार तो मुस्लिम पक्ष,
मुस्लिम पक्ष आया ही नहीं वार्ता में, जब इनको लगता है कि साक्ष्य मंदिर के पक्ष में है, प्रमाण मंदिर के पक्ष में है, तब आना बंद कर देते हैं। इस बार तो मुस्लिम पक्ष सहमति दे रहा है ना, लेकिन कर लेते हैं कि ठीक है बातचीत से सुलझा लेते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानेंगे तो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रोहित जी, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। रोहित जी, आप देखेंगे जब भी वार्ता की बात हुई, हम वार्ता में सम्मिलित हुए हैं, हम वार्ता में गए हैं। लेकिन शंका इसलिए है क्योंकि अब तक जितनी वार्ताओं का हर्ष हुआ है वो आप सब लोगों ने देखा है, देश ने देखा है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में स्टेटस बताइए, 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट सौंपिए। मौलाना अंसार रजा से कमेंट लें, उसके पहले उमा भारती क्या कह रही, अशोक सिंघल ने उनसे बात की, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4 हफ्ते में मीडिएटर राम जन्मभूमि को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो मसला है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जो कि खुद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। उमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 मीडिएटर नियुक्त किए हैं जो कि 4 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे मीडिएशन के माध्यम से मामले को सुलझाने के लिए। हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं बाबा, तो हम तो कोर्ट को कुछ कहेंगे ही नहीं, लेकिन हम राम भक्त हैं और राम सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जैसे वेटिकन सिटी में मस्जिद नहीं बन सकती, जैसे मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह से रामलला जहाँ हैं वहाँ पर और आसपास में कोई भी अन्य धर्म स्थान नहीं बन सकता सिवा राम जी के मंदिर के। बाकी भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अयोध्या में बहुत मस्जिदें हैं, फैज़ाबाद में भी बहुत मस्जिदें हैं, लेकिन वो जो भूमि है जहाँ रामलला हैं, लक्ष्मण किला है, वो सब वहाँ पर तो सिर्फ मंदिर ही बनेगा। अब जो भी रास्ता निकले इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकेगा, होने नहीं देंगे। जो मीडिएटर नियुक्त किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 हफ्ते में आप बातचीत करके रिपोर्ट दीजिए, आपको लगता है मीडिएशन के माध्यम से, क्योंकि पहले भी बहुत मध्यस्थता हुई है इस पूरे मामले को लेकर, बार बार बातचीत के रास्ते अपनाएंगे, आपको लगता है कि इस बार इससे रास्ता निकल पाएगा? कोर्ट ने तो शुरू से ही कहा कि ये लैंड ऑफ डिस्प्यूट ऑफ लैंड है, भूमि विवाद का मामला है, क्योंकि आस्था का विवाद तो है ही नहीं, वो तो सीधे सीधे राम जन्मभूमि है, कोई विवाद ही नहीं है इस बात पर। अब बात यह है कि भूमि किसकी है और भूमि का जो केस होता है उसमें दोनों पार्टियां अगर आपस में सेटलमेंट कर लें तो उसको कोर्ट मान्यता देता है, तो कोर्ट ने तो अपनी परंपरा को, नियम कायदे को कायम रखा है। बात तो यह है कि उसमें मंदिर बनना है और कुछ नहीं हो पाएगा, ये मध्यस्थता करने वाले लोगों को भी ध्यान में रहेगा, कोर्ट के भी ध्यान में है, और मध्यस्थता करने वाले लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मंदिर एक रास्ता है, वहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ पे मुझे बताएं, वेटिकन सिटी में कोई मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रख सकता है क्या, या मक्का मदीना में कोई मंदिर बनाने का प्रस्ताव रख सकता है? तो बात एक ही होनी है, मंदिर बनना है, भव्य मंदिर का निर्माण होना है, और अच्छा हो कि सारे समाज के लोग मिलकर तय करें और सोमनाथ की तर्ज पे बन जाए। मुझे जस्टिस कलीफुल्ला हैं और श्री श्री रविशंकर हैं और तीसरे जो हैं राम पचू हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, और श्री श्री तो पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं, आपको लगता है जो 3 नाम हैं इनको देख के आपको क्या लगता है कि ये तमाम पक्षों को बातचीत करके मामले को सुलझा पाएंगे? राम का नाम इतना प्रभावी है भारतवर्ष में अनादिकाल से अनंत काल तक कि उसमें सब शामिल हैं, इसलिए नामों की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए मैं इन नामों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि राम के नाम पे हमारा ही पेटेंट है, उमा भारती का ही पेटेंट है, VHP का ही पेटेंट है, BJP का ही पेटेंट है, ऐसा अहंकार हम नहीं पाल सकते। इसलिए जो है वो सब ठीक ही है, लेकिन बस सबको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वहाँ राम मंदिर के अलावा कुछ और बनाने की बात नहीं हो सकती। तो सुना आपने उमा भारती को, केंद्रीय मंत्री उमा भारती कह रहे हैं राम मंदिर के अलावा और कोई बात मान्य नहीं हो सकती, ऐसे में मध्यस्थता से भी रास्ता निकल पाएगा। मौलाना अंसार रजा, बहुत छोटा सा कमेंट, 20 सेकंड, जल्दी। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो फैसला ही सुना दिया, मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये कह रही कि मैं इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता, मध्यस्थता किस लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की है? रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि मीडिया को इन सब चीजों से दूर रखा जाए या लोगों को इन सब चीजों से दूर रखा जाए ताकि कोई मामला फंसे ना। अब हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकलना चाहिए। श्री रविशंकर से मेरी 45 मिनट बातचीत हुई जब उन्होंने मुझे बुलाया था इस सिलसिले में, और बहुत सारी गुफ्तगु हुई है। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले, हम कोई ऐसी बात ना करें, चाहे वो BJP का नेता हो चाहे किसी भी तरीके के नेता हो। अब राजनीति बहुत हो चुकी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।